हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैंने परसों यानी 2 से 3 दिन पहले कुछ काम किए थे गार्डन में, आज मैं वही शेयर करूँगी आपसे। और कल तो गार्डन में नहीं आ पाई थी मैं, परसों रात हमारे यहाँ पे बहुत आंधी और तूफान वगैरह चल रहा था दोस्तों, तो काफ़ी जो नुकसान भी हुआ है टेरेस पर, तो काफ़ी पौधे लगा कर गई थी, काफ़ी कटिंग में लगा कर गई थी। तो देखिए यहाँ पे भी मैं एक बेबी सनरोज की कटिंग लगा कर गई थी, जो कि देखिए ये आंधी और तूफान से जो है नीचे गिर गई है। ये देखिए ये कटिंग में लगा कर गई थी बेबी सनरोज की, और ये नीचे निकल गई है। परसों लगाई थी मैंने और परसों रात को ही हमारे यहाँ पे आंधी आई, बहुत तेज़ आंधी थी, इतनी सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने काफ़ी दिन पहले जो है कटिंग लगाई थी एडीनियम की, तो मैंने 3 कटिंग लगाई थी दोस्तों, और 3 में से जो है 2 कटिंग मेरी चल गई है, और दोनों कटिंग में काफ़ी अच्छी जो है रूट बन गई है। मेरे पहली बार जो है ये कटिंग लगाई थी और कटिंग जो है ग्रो कर गई है, तो मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो इसमें फुटाव आ गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है इनका छोटा छोटा, यहाँ से देखेंगे आप तो ये यहाँ पर देखिए ये फुटाव आ गया है इसमें, और इसमें जो है इनके रूट्स बन गए हैं। मैंने चेक किया था तो इनके रूट बन गए हैं, तो बहुत जल्द मैं इनको जो है दूसरे पॉट में लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर जो है इनकी जो फुटाव है ये आ गया है, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है, ये देखिए फुटाव आ गया और इसमें रूट भी बन गई हैं। तो एडीनियम की कटिंग लगाने का मेरा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ये आप देखिए छोटी छोटी ये फुटाव यहाँ पर आ गया है, ये देखिए ये है फुटाव यहाँ पर। और बहुत सारी कटिंग लगाई थी, एक ये यहाँ पर लगाई, एक ये बेबी सनरोज की कटिंग इसमें लगाई है, और ये नारियल का खोखला पड़ा हुआ था मेरे पास में दोस्तों। ये देखिए बीच में हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी तो ऐसे 4-5 जो है नारियल मेरे पास आए थे, तो मैंने इनका यूज़ कर लिया है और इनमें देखिए ये लगा दिया है बेबी सनरोज़। और अगर मैं इनको पेंट कर दूँगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे, तो अभी थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है फ्रेंड्स, तो ये काम अभी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो धूप तेज़ होने के कारण जो है नहीं कर रही हूँ, तो अभी मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है। और यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ समय पहले मैंने कटिंग लगाई थी जो कि चल पड़ी है, और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी कटिंग जो है लगाई थी, और परसों मैंने जो कटिंग लगाई है इनमें से कोई एक इसमें लगाई है मैंने कटिंग, ये देखिए यहाँ पर लगाई है, एक मैंने वो पीछे लगाई है बेबी सनरोज की कटिंग, और वो जो आप प्लांट देख रहे हैं उसको मैंने शिफ्ट किया है, ये देखिए। और यहाँ पर बहुत सारे पौधे गिर गए हैं और अभी पानी देना है दोस्तों, कल भी पानी नहीं दिया क्योंकि कल मैं कहीं चली गई थी तो पानी नहीं दे पाई थी पौधों को, तो अभी शाम का समय है तो मैं पानी वगैरह भी दूंगी पौधों में। और कुछ काम ये किए कि ये देखिए एक ये पौधा था दोस्तों, ये मेरे पास पहले बॉटल में लगा हुआ था, फिर इसको मैंने 2 प्लांट बना लिए, तो इसमें काफ़ी अच्छी रूट्स हैं, तो इसको मैंने अभी ये इसमें लगा दिया है बॉटल में। और ये वाला जो प्लांट है ये 1 लीटर की बॉटल में जो देख रहे हैं आप, ये प्लांट मेरा ये 2 लीटर की बॉटल में लगा हुआ था, तो इसको मैंने निकाल कर 1 लीटर की बॉटल में लगा दिया है, और 2 लीटर की बॉटल में नया कटिंग लगा दिया है मैंने। देखिए नागचंपा की कटिंग लगाई है, ये देखिए ये कटिंग मैंने परसों लगाई है, तो ये काम मैंने परसों किए थे इतने सारे काम। और उससे पहले मैं कुछ जो है इसमें देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों मेरे पास जो है ना उसके मूली के बीज पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि मूली के बीज इधर उधर मुझसे गिर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं इनको ग्रो कर देती हूँ। तो ये बैग मेरे पास पड़े हुए थे काफ़ी सारे, तो इनमें मैं जो है कुछ मूली के बीज डालकर चली गई थी, और जिनमें से जो है जो ये फुटाव आ गया है, ये देखिए ये मूली के, ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये 4-5 पौधे यहाँ निकल कर आ गए हैं, कुछ इसमें निकल के आ गए हैं, ये देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर ये निकल कर आ गया है, और इसमें 3-4 इसमें निकल कर आ गए हैं, ये देखिए, और 1-2 जो है इसमें भी यहाँ पे निकल रहे हैं, ये देखिए। तो ये काम भी मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पर किए थे ये, और इसमें देख रहे हैं ये सारी कंपोस्ट का यूज़ किया हुआ है, देखिए इसमें कितनी सारे आपको मूंगफली के छिलके दिख रहे हैं, ये देखिए। तो जो टेरेस का जितना भी होता है, सॉरी रसोई का जो कंपोस्ट होता है वो मैं सब इसमें डाल देती हूँ किचन वेस्ट, और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगा कर पौधे ग्रो कर देती हूँ। देखिए कितनी सारी मूँगफली है इसमें यहाँ पर, ये देखिए, और वहाँ पे भी वो मैंने प्लांट जो है एक रिपोर्ट किया था, और ये भी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया था, और क्लीन करने के बाद थोड़ा सा इनको यहाँ पर मैंने पौधों को यहाँ पर इस तरह लगा दिया था। और बैगन बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों, और मैं 2 बार तो ले जा चुकी हूँ, और अब 3री बार के लिए काफ़ी सारे बैंगन देखिए इकट्ठे हो रहे हैं फिर से, तो 2-3 दिन में मैं ये बैंगन भी तोड़ लूँगी,
ये देखिए कितने सारे हैं, ये देखिए यहाँ पर, और पीछे देखिए आप, वो देखिए वो वहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखिए काफ़ी सारे हो रहे हैं, बहुत सारे बैंगन जो है इस बार निकल कर आ रहे हैं। और हरी मिर्चें भी हो रही हैं, हरी मिर्चों के बहुत सारे मैंने इस बार 4 पौधे लगा दिए, तो मिर्चें भी काफ़ी हो रही हैं। बीच बीच में हम जो है एक एक दो दो मिर्च जो है ले जाते रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो मिर्चें इसमें से हम ले जाते हैं। ये देखिए ये मिर्ची के पौधे हैं, अच्छे से चल रहे हैं सारे पौधे मेरे। अब इनको थोड़ी सी मुझे खाद देनी है, तो सोच रही हूँ जो हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं उनकी ही खाद दे दूँगी इन पौधों को मैं, बहुत अच्छी रहती है वो खाद, तो वही खाद मैं दूँगी इनको, तो 2-3 दिन के बाद वो तैयार हो जाएगी खाद। और यहाँ पर ये देखिए मूली, देखिए ये मूली के पत्ते, ये देखिए कितनी अच्छी मूली आ रही है, इसमें भी मैंने मूली के बीज डाल दिए थे दोस्तों, ये देखिए ये निकल कर आ गए हैं, काफ़ी सारे बीज थे तो मैंने इसमें डाल दिए जो कि निकल कर आ गए हैं। ये भिंडी के इतने सारे बीज लगाए थे तो 2 ही बीज बने, तो 2 प्लांट मैंने इसमें जो है रिपोर्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे बैंगन यहाँ पर बन रहे हैं, छोटे छोटे कई सारे बैंगन, ये देखिए यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर दिखाऊँ आपको इसमें, ये देखिए, और वहाँ पर भी हैं, तो 2-3 दिन में जो बड़े बड़े हो गए हैं वो मैं तोड़ लूँगी बैंगन। यहाँ पर, यहाँ पे और भी बन भी रहे हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे यहाँ बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये एक बैंगन है, ये देखिए, तो बैंगन काफ़ी आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों अभी का काम जो मैंने कुछ दिन पहले किया था, अभी थोड़ा सा और कर लेती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।